गया। और अब देखिए फरीदाबाद का सीधा हम रुख कर रहे हैं, राजीव रंजन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। और राजीव, अब ऐसे में फरीदाबाद की तस्वीर आपको क्या नजर आ रही है? कतारें वहां पर दिखाइए जरा कितनी लंबी है, और जहन में मुद्दे हावी हैं, चेहरे हावी है, या पार्टी या वो हावी दिखाई दे रही है? देखिए पूजा, मैं इस वक्त, आपने जैसा कहा औद्योगिक क्षेत्र है ये इंडस्ट्रियल बेल्ट फरीदाबाद, यहाँ पर ज़्यादातर अप्रवासी लोग रहते हैं। शहरी इलाके के एक मतदान केंद्र में मैं आया हूँ, और लाइन आप दिखाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जिस मतदान केंद्र पर मैं आया उसका गेट बंद है, अंदर लाइन लंबी लगी है ऐसा लोग बता रहे हैं। और इसके आगे की तस्वीरें आपको पता है कि जो प्रेमिसेस में अंदर जाने की चुनाव आयोग की तरफ से, एक मिनट, भेजना है क्या? लड़का जाएगा डालने के लिए, बच्चे को लेना है। अरे आप वोट डाला है? हाँ वोट डाले आया मैं। क्या नाम है आप? श्यामू। तो श्यामू जी, वोट डालने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था मुद्दा? क्या चल रहा था? यही, बस काम सही करें, जिसको भी डाला मतलब काम तो सही करें। अभी तक जिस जो विधायक है जिसकी सरकार, उनका काम आपको पसंद है? उनका मेरे को काम पसंद नहीं है, अभी हमारे यहाँ तो कोई काम करवाया नहीं अभी तक। सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या था वोट डालते वक्त? बस ये है, काम सही होना चाहिए, बस वही काम, वो जो काम करवाएगा वही बढ़िया है। ये कैसे पता चलेगा कौन काम करवाएगा? अब देखो आगे जीतेगा जो पता चलेगा, आगे जीतेगा जो पता चलेगा कौन करवाता है। आप दे आई वोट? हाँ दे दिए। वोट सवेरे चली घर से, तो कुछ दिमाग में बात आप सोच के चली थी? हाँ सोच के तो चले हैं। क्या सोच के चली? जीत जाए हम लोग कभी कुछ करें। क्या चाहिए आपको? आप क्या चाहती हैं नई सरकार आपके लिए क्या करे? क्या नहीं करेंगे हम लोग के लिए? कुछ सुविधा तो देंगे ना जनानी के लिए? कुछ सुविधा तो देंगे ना। अरे इस पार्टियों ने क्या क्या कहा है कुछ मालूम है आपको? नहीं हमको तो मालूम नहीं है। हाँ जी बताइए, आप वोट डाला है? हाँ जी वोट डाल के आया बिल्कुल। तो फरीदाबाद के निवासियों के दिमाग में क्या मुद्दा था? फरीदाबाद के निवासियों के दिमाग में मुद्दा था कि भाई बदलाव चाहिए, क्योंकि एक ही सरकार बार बार आ रही है और कुछ ऐसा पब्लिक के सुविधा के लिए कुछ काम नहीं हो रहा, क्योंकि कॉलोनियों में झुग्गी झोंपड़ी में लोग बहुत दयनीय जीवन जी रहे हैं। नाले की व्यवस्था, खड़ंजे की व्यवस्था, बिजली, सब कुछ की समस्या। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब ने 10वीं 12वीं कर रखी, चपड़ासी तक की नौकरी नहीं मिल रही। लोग बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है यार, 10वीं 12वीं पर नौकरी कहाँ, किस प्रदेश में मिल रही है? हर जगह मिल रही है। चपड़ासी की मिनिमम 10वीं है, मिनिमम तो 10वीं पास, फिर भी आजकल स्कूल में बच्चे पढ़ के बैठे हैं, परंतु बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और सबसे उससे ज़्यादा महंगाई, उससे ज्यादा महंगाई की समस्या है ना, महंगाई की। महंगाई देखो कितनी दूर जा रही है। जे डॉक्टर हैं और कानों को यहाँ देख ले, उनके जहर पर में यहाँ देख ले, और डॉक्टर ही कर रहे, घर वाली और ये दो जने मिलकर कर रहे, और डॉक्टर ये अच्छी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हम डॉक्टर के पूछे आए हैं। और एक बात बता दें, नई सरकार बने, नई नई कानों को यहाँ देख, महंगाई घटे, सीधी सी बात हमारी है। एक नई सरकार बने, महंगाई घटे, लड़का बच्चा भी नौकरी लगाए, बूढ़ी लोग तो कोई पूछते ही नहीं है ना। और जो लड़का ने निकाल निकाल दिए बाप भावतारी, उनको आश्रम बनवा, वृद्धा आश्रम और क्या, और पेंशन आज रुकी है तो पेंशन सबकी चालू। कौन लड़का माई बाप के कौन निकाल रहा है? माई बाप का इतने हजारों है, करोड़ों है यहाँ पर लड़का लड़का जो माँ बाप को रोटी नहीं देते है। और कानों की जो है बेरोजगार, कानों की सरकार किसकी आएगी? कानों की सरकार तो आप अभी ये नहीं बताए हैं तुम, सरकार तो आए ना, गिरी सर ललित सर नहीं, सरकार तो खैर आएगी, जिसकी नहीं है उसकी आएगी, पर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाई को, निर्दलीय विधायक को कर रहे हैं, और वो जो है जिसकी भी सरकार बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी भाई उसको सपोर्ट करेगा। क्या बोले हो? चुप बोलने से क्या आता है, वीडियो सामने बोलिए, बोलना है तो बोलो ना, गरीब दुखिया कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, ऐसे बोलिए, गरीब दुखिया की बोलिए। सर ऐसे अपने धन्यवाद है, हम सब
विवाहता हमके सब मिलना चाहिए, अब ऐसे बात कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, आप ये बताए। हाँ जी सर, ललित नागर की जी की सरकार बनेगी यहाँ पे तिगाँव से, और वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और सरकार किसी की भी आए, समर्थन पूरा का पूरा पूरे प्रदेश का तिगाँव का ललित नागर जी को ही जाएगा, ये 100% कन्फर्म है। ये तिगाँव में हाँ जी रोहित नागर, ललित नागर, और वो तीसरे वाले क्या नाम, राजेश नागर। तो पहले मैं बता दूं दर्शकों को, ये तिगाँव विधानसभा आता है, मैंने एक कार्यक्रम तिगाँव गांव से भी किया था। तिगाँव विधानसभा, वैसे तो हरियाणा में ज़्यादा आप जाटों की चर्चा सुनते हैं, लेकिन तिगाँव विधानसभा में गुर्जरों की संख्या अच्छी खासी है, और एक ही गांव से करीब करीब ये तीनों उम्मीदवार हैं, जो राजेश नागर और ललित नागर, रोहित नागर। ललित नागर कांग्रेस से पहले विधायक थे, लेकिन उनका टिकट उनको नहीं मिला, पहले विधायक रहे थे उनको टिकट इस बार नहीं मिला, वो लाइन में थे। रोहित नागर नए उम्मीदवार को टिकट दिया गया, और राजेश नागर यहाँ से बीजेपी के MLA हैं अभी वर्तमान। तो लोगों के दिमाग में, अच्छा तुम यार वोटर हो कि नहीं? वोटर हूँ सर, अभी वोट डालने जा रहा हूँ। तो नए बच्चों के दिमाग में इस बार हरियाणा के क्या मुद्दा सबसे बड़ा है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और किसान विरोधी सरकार को हटाने का पूरा मुद्दा है, खिलाड़ियों के विरुद्ध है सारी सरकार ये बीजेपी की। एक बात सुनो, राजेश नागर जी बीजेपी के MLA हैं, ललित नागर और रोहित नागर, हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों अगर लड़ गए तो उसमें बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा? बीजेपी को फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मेन बड़ा मुद्दा है अभी हरियाणा में, और जो गुडविल मैन पावर और सारी की सारी वैल्यू है वो ललित नागर जी की तरफ ज़्यादा है। घर घर उनका एक साथ, सबको बाय फेस बाय नेम उनको जानते हैं वो, तो इसमें मेरे ख्याल से कमजोरी कांग्रेस पार्टी की भी रही है कि उन्होंने उनको मौका नहीं दिया। उनके ऊपर आरोप ये था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट का उस तरह से साथ नहीं दिया, नहीं, और इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, जिस वजह से उनके टिकट लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका कारण ये बताया गया कि लोकसभा चुनाव के समय कुछ नेता ऐसे थे जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने, इसलिए शायद, अब चाहे जो अंदरूनी बात रही हो। तो बहरहाल पूरे हरियाणा में क्या देखते हो? पूरे हरियाणा में तो कांग्रेस आएगी जी, मोस्ट प्रोबेबली 55-60 सीट्स कांग्रेस लेके जाएगी। 90 में से देश में हर तीसरा आदमी तो सेफेजोलॉजिस्ट है, हर आदमी सीट बता। हमारा मानना है कि 55-60 है, घोड़ा भाग लगाओ, बाकी अब देखो नतीजे 8 तारीख को आएंगे जब पता चलेगा। करते हो? मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री है, वायर डिजाइनिंग। बड़ा कम उम्र में तो यंग एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। चलो चलो, बहुत बधाई। थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर। हाँ पूजा, फरीदाबाद से अभी इतना ही। चलिए, बहुत अपने निराले अंदाज में आज एक बार फिर आपने दर्शकों के जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं वो आपने दर्शकों के सामने रखे हैं, और एक बार फिर मैं ऋषि